आदाब, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी नाजरीन का हम इस्तकबाल करते हैं ई विद्या चैनल नंबर 9 पर, और मैं हूं कुसुम प्रसाद। आज हम उर्दू का सत्र लेकर आए हैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए, और आज का मौजू है गुजरा हुआ ज़माना। और इसे पढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी आज की एक्सपर्ट अंसारी बेबी तबस्सुम मैम मोहम्मद उमर। उनका पूरा नाम है अंसारी बेबी तबस्सुम मोहम्मद उमर मैम। तो मैम पढ़ाएंगी इस चैप्टर के बारे में कि क्या कुछ है इसके अंदर, और विस्तार से और डिटेल में बताएंगी। मैम बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल करते हैं हम इस सत्र में। आदाब, नमस्कार मैम। शुक्रिया जी। मैम है असिस्टेंट टीचर अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल मुंबई से। इससे पहले कि हम आज के सत्र की शुरुआत करें, हम बता देते हैं विभिन्न डिटेल्स, वेरियस मीडियम्स वेयर यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यू कैन कॉल अस ऑन आवर फोन नंबर दैट इज 8800440559। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है dth.class9@cit.nic.in पर। तो ये थे हमारे विभिन्न माध्यम, किस तरह से आप हमें अप्रोच कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं इस सत्र से, और अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। तो अब हम रुक करते हैं हमारी एक्सपर्ट मैम की तरफ, तबस्सुम मैम की तरफ। तो मैम शुरुआत करते हैं आज का सत्र, और क्या कुछ है इस आज के मौजू में गुजरा हुआ ज़माना में। जी मैम, जो आज का मौजू है हमारा गुजरा हुआ जमाना, वो क्लास 9 का उर्दू का सबक है, और ये सबक जो है सर सैयद अहमद खान का लिखा हुआ है। सर सैयद अहमद खान का लिखा हुआ जो सबक है, उसमें उन्होंने एक इंशाइये के जरिए बच्चों, लोगों, कौम के मिल्लत तक वक्त की अहमियत के ताल्लुक से उसकी अहमियत, अफादियत, कद्र को उन्होंने समझाने की कोशिश की है अफसानवी अंदाज में। यही नहीं, साथ ही साथ उन्होंने नसीहत भी की है। तो मैं सबसे पहले आप रोशनी डालना चाहूंगी इस बात पर कि जो टॉपिक है हमारा आज का, जिसका नाम ही है गुजरा हुआ जमाना, तो कहीं ना कहीं हमें इस बात की तरफ इशारा दे रहा है, या यह हमें इस बात की तरफ तलकीन कर रहा है कि हमें अपना वक्त किस तरह गुजारना चाहिए। तो मैं सबसे पहले जो है सर सैयद अहमद खान के ताल्लुक से बच्चों को और तमाम नाज़रीन को जो है इसकी तरफ मालूमात देना चाहूंगी कि सर सैयद अहमद खान ये 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में पैदा हुए। ये अपने ज़माने के अहले कमाल कहलाते हैं। यही नहीं, साथ ही साथ सर सैयद अहमद खान ने जब ये इंशाइया लिखा, उस दौर में इंशाइये का रिवाज इतना ज़्यादा आम नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने इंशाइया को ना सिर्फ इंतखाब किया बल्कि साथ ही साथ तमाम लोगों तक उन्होंने नसीहत की कि वो वक्त की अहमियत को समझें, उसकी कद्र करें। सर सैयद अहमद खान के ताल्लुक से ये भी बताना चाहूंगी कि इन्होंने सन 1878 में इन्हें सर के खिताब से नवाजा गया। इन्होंने इब्तदाई तालीम अपने घर पे ली और अंग्रेजी के लिए इंग्लिस्तान भी गए। वहां से आने के बाद इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो है वो बुनियाद डाली। यही नहीं, जदीद उर्दू नसर की बुनियाद डालने के साथ साथ सर सैयद अहमद खान ने उर्दू में मुख्तलिफ मजमून निगारी को भी फरोग बख्शा। लंबी लंबी तहरीरों के बजाय चंद सफात पर काम कहने या करने को उन्होंने जो हुनर दिया वो बहुत कम अदीब दे सकते हैं। सर सैयद अपने जमाने के मुफक्किर और मुसल्लह दोनों कहलाते हैं। अगर मैं कहूँ कि सर सैयद अहमद खान का जो रिसाला था तहज़ीबुल अख़लाक़, वो बहुत ज़्यादा मशहूर और मकबूल हुआ, लोगों ने काफ़ी पसंद किया। इसी के साथ साथ इसकी और उन्होंने कई तसानीफ लिखी, मिसाल के तौर पर असारुत सनादी, जिसमें उन्होंने इनका जो मकसद था वो है फ़लसफ़ा, साइंस और मजहब। ये तीन चीज़ों को वो अपने हाथ में पकड़े हुए थे और लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते थे कि मौजूदा नस्ल, जदीद नस्ल जो हमारी कौम के नौजवान हैं, कौम के लोग हैं, वो समझें कि साइंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है। साथ ही साथ उन्होंने मज़हब का भी दामन पकड़ा रखा और फ़लसफ़े, ये तीनों को उन्होंने अपने मजामीन में, जिन जिन मजामीन जैसे गुजरा हुआ ज़माने में भी उन्होंने अफसानवी अंदाज में यही तलकीन की,
अब ये मैं इस बात पे भी रोशनी डालना चाहूंगी कि जो गुजरा हुआ जमाना है इंशाइया, तो इजाफी मालूमात में ये नाजरीन को मालूम होना चाहिए कि फिक्शन और नॉन फिक्शन, ये दो तरह के हमारे जो प्रोज होते हैं जिसमें अफसानवी और गैर अफसानवी। अफसानवी में दास्तान, नॉवेल और अफसाने का शुमार होता है, जबकि गैर अफसानवी में सफरनामा, हिस्बून, खाका निगारी, खतूत, खुदनविश सवाने, ड्रामा, ये तमाम चीज़ों को शामिल किया जाता है। और बच्चों ने या नाजरीन ने ये तमाम चीज़ें रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो देखते भी हैं। कई मरतबा ऐसा होता है कि उन्होंने अपने हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने 8वीं जमात में अपनी साबिका क्लास में जो है वो कई कहानियाँ पढ़ चुके हैं, कई मजमून पढ़ चुके हैं, इंशाइया पढ़ चुके हैं, अब सफरनामे पढ़ चुके हैं, खुशनविश सवाने जहाँ उन्होंने बायोग्राफी बच्चों ने पढ़ी है, ड्रामे पढ़े हैं। उसके बाद जो बारी आती है वो है कि मजमून और इंशाइये में क्या फ़र्क है, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है नाजरीन का कि जो मजमून होता है वो एक तरह का उसमें तसलसल होता है, ये एक गैर अफसानवी सिंथ है, साथ ही साथ जिसमें इल्मियत, संजीदगी, तरतीब, रब, तमहीक सारी चीज़ें बांधी जाती हैं। ख्यालात का तसलसल, इजहार ख्याल की पूरी पूरी आज़ादी होती है मरबूत अंदाज में, इल्मी, अदबी, गैर अदबी, सियासी, समाजी, मजहबी, सियासी, माशराती वगैरह, ये तमाम मालूमात दी जाती है। जबकि इंशाइया में, इंशाइया जो कि आज हमारा जो है उनवानी है जिसे मौजू बनाया गया है, इसमें ये मगरबी सिम से आया हुआ जो है कहना चाहिए रिवायत आई जिसे हमने कबूल किया, जिसे लाइव ऐसे भी कहा जाता है या पर्सनल ऐसे भी। मजमून की रफ्त नहीं होती, बात से बात पैदा करना इंशाइये का मकसद होता है, जिस तरीके से सैयद अहमद खान ने इसमें बात पैदा की, मसरत, लुत्फ फराम कराना, शगुफ्तगी, ख्याल आफरीनी पैदा करना, अदबी चाशनी, आहंगी, आसूदगी, जहनी आसूदगी, माहौल बनाना, वाकया से ज़्यादा तासुरात को अहमियत रखना, फिर इजहार ख्याल की आज़ादी होती है, मौजू की कोई कैद नहीं, कोई पाबंदी नहीं, साथ ही साथ एक जहनी तरंग जो है काम करती है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि गुजरा हुआ जमाना इंशाइया जो है ये वक्त की अहमियत, कदर व अफादियत के लिए जो है अफसानवी अंदाज में सैयद अहमद खान ने बयान किया। इंशाइये की या इस सबक की खूबी ये है कि ये सबक जो है एक ख्वाब से शुरू हो रहा है जो कि एक लड़का देख रहा है, लेकिन जबकि जो सबक जो हमारा आगाज हो रहा है, इस सबक का जो मैं कहूँ कि जो स्टार्ट किया जा रहा है, जब स्टार्टिंग में बताया जा रहा है कि एक बूढ़ा जो है बहुत ज़्यादा डर रहा हुआ है क्योंकि बाहर जो है बहुत अंधेरी रात है, बिजली कड़क रही है, ये तमाम चीज़ें इसमें बयान की जा रही है, जबकि पूरा सबक एक ख्वाब पर है और ये ख्वाब एक नौजवान लड़का देख रहा है जहाँ वो अपनी ज़िंदगी के 3 अदवार से गुजर रहा है। और वो 3 अदवार कौन से हैं इस पर हम रोशनी डालते हैं। पहला दौर जो है वो है लड़कपन, जिसे हम बचपन कहते हैं, दूसरा जवानी और तीसरा अधेड़पन, जिसे हम बुढ़ापे में भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो कहना चाहिए, जवानी लड़कपन का दौर होता है जिसमें किसी भी चीज़ की ना कोई गम, ना फिक्र, ना कमाने का हमें फिक्र होती है, ना हमें कहना चाहिए किसी घर में हमारे क्या हो रहा है, किसी तरह का हमें कोई मालूमात नहीं होती, बस हम अपने पूरे कहना चाहिए बचपन के दौर की ज़िंदगी जीते हैं। इस दौर में यहाँ मकतब के साथी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, नहायत ही खुश अदवार दौर होता है। उसके बाद आती है जवानी का दौर। जवानी का दौर जो होता है जज्बात और इंसानी जोश पर मुनस्सिर होता है। इस ज़माने में ख़ास तौर पे माँ बाप की, असातिज़ा की नसीहत जब हमें मिलती है तो कभी कभार हमें गुस्सा भी आ जाता है, कभी कभार ऐसा लगता है कि अभी तक हम जो है बड़े ही नहीं हुए और हमें सब नसीहत करते जा रहे हैं। नेकी और खुदा परस्ती की जब कोई हमें बातें बताता है तो वो भी हमें नागवार गुजरती है, तो सबक में भी यही चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन जहाँ तक सैयद का मानना है वो ये कहते हैं कि जवानी का दौर जो होता है वो सबसे ज़्यादा अहम
जमाना होता है और आज के दौर में जवानी के दौर में जो है तालिब इल्म के लिए जमाना बहुत ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि पूरा जो निज़ाम है कुदरत का वो एक वक्त पर ही कहना चाहिए मुतय्यन किया गया है। क्योंकि वक्त जवानी के दौर की अगर कदर ना की जाए और उसे कहना चाहिए कि हमने फजूल ऐसे ही खर्च कर दिया, तो कहते हैं ना कि अब पछतावे होवे का जब चिड़िया चुग गई खेत। साथ ही साथ बच्चों, मैं आपको इस बात पे भी कहना चाहूंगी कि कई मरतबा ऐसा होता है कि हम जवानी के जोश में कईयों के दिल को पाश पाश कर देते हैं, दिल आजारी हो जाती है, कभी ऊंची आवाज में बात हो जाती है, कई बार तो ऐसा होता है कि हम किसी की आंखों में आंसू लाने की वजह बन जाते हैं। और ये तमाम चीजें जब तक हमें समझ में आती हैं तब तक तो बहुत लेट हो जाता है, बहुत देर हो जाती है। तो ये सबक हमें इस बात की भी तलकीन कर रहा है कि हमें सही वक्त पर हमें अपनी हर वो चीज जो हम रोजमर्रा जिंदगी में गुजार रहे हैं या जो कर रहे हैं उसकी हमें अफादियत मालूम होनी चाहिए, अहमियत मालूम होनी चाहिए। जब तक ये बात हमें समझ में नहीं आएगी हम वक्त की कदर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है बुढ़ापे का दौर। ये ऐसा दौर होता है जहां हम खुद परहेजगारी अख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि अब ना वो जवानी रहती है, ना वो जोश, ना वो जज्बा, ना ही कहना चाहिए कि अब वो लगन। अब हमें अपनी पूरी जिंदगी कहते हैं कि अल्लाह की राह में सर्व करनी, अच्छे अच्छे काम करने हैं, हमें मस्जिद तामीर करवानी है, कुएं बनवाना है, गरीबों की मदद करना है, क्योंकि हमें ये पता है कि अब हमारा आखिरी वक्त जो है कभी भी अनकरीब आ सकता है, हमें अल्लाह से जल्द जल्द मिलना है। तो कहीं ना कहीं हमें सवाब की नीयत हमारे दिल में आ जाती है। तो सबक में ये भी बताया गया है कि क्यों हमेशा हम ये सोच के कि हम अल्लाह से डर कर काम कर रहे हैं। वक्त की कदर अगर हमने बचपन की तो ज़रूर है कि जवानी तक आते आते हम जो है उस चीज़ को समझ जाते, और जब जवानी में हमने अपने वक्त की कदर कर ली तो जो भी हमारा मकसद था जिसके लिए हमने अपनी ज़िंदगी सर्व कर रही है, क्योंकि एक निज़ाम के तहत ही ये दुनिया बनाई गई है। सूरज एक मुकर्रा वक्त पर निकलता है, मुकर्रा वक्त पर डूबता है। ठीक इसी तरीके से इंसान भी अपने कामों को मुतय्यन वक्त पर शुरू करे और वक्त पर ख़त्म करे। पूरा वक्त गुजरने के बाद अगर हमने ये कहा कि हाय अब क्या होगा, जैसे कि सबक में कई जगहों पर अफसोस किया गया है, मिसाल के तौर पर मैंने आपको जो है सबक का जो पहला पैराग्राफ है वो मैं सुनाती हूँ। बरस की अखीर रात का एक बुढ़ा अपने अंधेरे घर में अकेले बैठा है। रात भी डरावनी और अंधेरी है, घटा छा रही है, बिजली तड़प तड़प कर कड़कती है, आंधी बड़े जोर से चलती है, दिल कांपता है और दम घबराता है। बुढ़ा नहायत ही गमगीन है, मगर इसका गम ना अंधेरे घर पर है, ना अकेलेपन पर, और ना अंधेरी रात और बिजली के कड़क और आंधी की गूंज पर, ना बरस की अखीर रात पर। वो अपने पिछले जमाने को याद करता है। मैंने जैसे कि आपको बताया वो किसी चीज से नहीं घबरा रहा है, जबकि सर सैयद ने जब मजबून बांधा तो उन्होंने बड़ी ही समझदारी के साथ किरदार, उसके बाद जो है किरदार के साथ साथ इंशाइये का ये रूल होता है कि इंशाइये में कभी भी इंशाइया निगार नसीहत नहीं करता, लेकिन सर सैयद अहमद खान, क्योंकि हमेशा ही उन्होंने समाज, कौम, मिल्लत की भलाई के बारे में सोचा और समझा है और लोगों को तलकीन की है, इसीलिए इसमें भी उन्होंने यही किया कि उन्होंने अपने नौजवान नस्लों से जो है, और नौजवान कहना चाहिए कौम और मिल्लत के लोगों से ये तलकीन की है कि वो अपने वक्त को ज़ाया ना करें, क्योंकि वक्त बहुत तेज रफ्तार से गुजरता है, वो ना कभी किसी के लिए रुका है ना रुकेगा। कहते हैं कि बन मुट्ठी में रेत नहीं पकड़ सकते, इससे पूरी दुनिया की दौलत खत्म करके भी अगर पूरी दुनिया की दौलत लगा दी जाए और कहा जाए कि मुझे बचपन का एक यादगार पल मिल जाए, उसके बाद भी वो पल वापस कभी नहीं आ सकता। यही नहीं, ससैयद ने इस इंशाइये में मजेदार बात तो ये भी है कि उन्होंने इस्तियारे का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि लड़का जब ख्वाब देख रहा है तो उस ख्वाब में वो एक दुल्हन को देखता है कि वो मेरी तरफ आ रही है। अब वो दुल्हन कौन? वो दुल्हन है नेकी, यानी उसके अच्छे किए हुए काम। यहाँ उसे तलकीन कर रही है वो दुल्हन, ये बता रही है कि लोगों ने किस तरीके से जवानी में काम किया, उसके बाद बुढ़ापे में काम किया, और बचपन तो नादानी में हमने गुजारी दिया है, जहाँ हमें ना खेल कूद यही सब की होती, कोई फिक्र नहीं हमें सताती।
तो दुल्हन ने ये बताया है कि हमें किस तरीके से जो है आगे की अपनी जिंदगी को संवारना है। इत्तेफाकन ये है कि ये ख्वाब था और अचानक ही लड़के के कान में जो है माँ की आवाज आने लगती है। ये सारी बातें जैसे ही वो उठता है वो अपनी माँ के साथ जो है बताता है। माँ को बताने के बाद जो है माँ कहने लगती है कि देखो बेटा, तुमने ये ख्वाब देखा है, नया साल शुरू हो रहा है, अपने भाई बहनों के साथ सबके साथ शरीक हो जाओ और तुम जो है जो तुमने ख्वाब में देखा वक्त को जाये करते हुए, जो उस बुढ़े ने गलती की वो गलती तुम ना दोहराओ, वो गलती तुम ना दोहराओ, क्योंकि एक मरतबा वक्त गुजर गया तो दोबारा कभी हार नहीं आएगा। और उसी के बाद जो है वो बच्चा तहिया करता है कि अब मैं अपनी जिंदगी जिस तरह मुझे उस दुल्हन ने बताई, यानी वो नेक अमाल जो मुझे बता रहा था कि नहीं इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारनी है, कि क्यों मैं ये बुढ़ापे में सोचूं कि मैं अब अच्छे काम करूं, मुझे अपने अच्छे काम शुरू से ही करना है। तो यहाँ ये तमाम चीजें जो है इस सबक में बताई गई। यही नहीं, कई मरतबा एक जुमला है जहां मैं ये बताना चाहूंगी कि जब उसे वक्त का ख्याल आता है तो कहता है कि अह वक्त गुजर गया, अह वक्त गुजर गया, उफ वक्त गुजर गया, उफ वक्त गुजर गया, अब पछतावे होवे क्या, अफसोस मैंने अपने तई हमेशा यही कह के बर्बाद कर दिया। कि अभी बहुत वक्त है, वक्त नहीं है, हमें वक्त के साथ चलना है, वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुका। और मैं खास तौर पर जिस तरीके से हमारे सैयद अहमद खान ने बच्चों से को पैगाम दिया, यही पैगाम मैं भी बच्चों को देना चाहूंगी कि वो वक्त की कद्र करें, क्योंकि वक्त का सबसे कहना चाहिए अहम इस्तेमाल अगर करना है तो बच्चों को करना है, नौजवान नस्लों को करना है, क्योंकि यही आगे जाके हमारे कौम के मेहमान हैं, हिंदुस्तान के मेहमान हैं, हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर ले जाने वाले हैं। तो वक्त जो है जिंदगी में सबसे नायाब दौलत है। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि वो सबसे ज्यादा से ज्यादा जो है अपनी दर्स तदरीस पर तवज्जा दें, अपनी मनसूबाबंदी करें कि किस वक्त पर हमें कौन से काम करना है और किस तरीके से अंजाम देना है, क्योंकि जब हम अगर अपने वक्त का सही तौर पर इस्तेमाल ना करें तो लड़कपन में होता है हाय वक्त गुजरे हुए जमाने, अफसोस मैं तुझे बहुत देर में मैंने तुझे याद किया, ये बाद में पछतावा होता है, और जवानी में ओह अभी तो बहुत वक्त है ये कह देते हैं हम, आह वक्त गुजर गया, आह वक्त गुजर गया। तो वक्त निकलने से पहले हमें वक्त को पकड़ लेना है, क्योंकि जिसने वक्त को पकड़ लिया या जिसने वक्त की पाबंदी कर ली आज दुनिया में वही कामयाब है। सर सैयद ने पहले से ही उन्हें ये पता था, शायद यही वजह है कि उन्होंने गुजरा हुआ जमाना जैसे सबक में वक्त की अहमियत को बड़े ही उसकी कदर व अफादियत को बड़े ही अफसानवी अंदाज में पेश किया, और वो भी ऐसी हालत में जहाँ एक लड़का ख्वाब देख रहा है। रात का मंजर जो उन्होंने बताया वो ड्रावनी मंजर था, अंधेरी घटा छाई हुई है, जैसे कि मैंने आप पहले भी नाजरीन को बताया, जहाँ बुढ़ा बहुत याद करता है कि मैंने अपना वक्त किस तरीके से गुजारा और कैसे गुजारा। तो हमें इन तमाम चीजों को इस सबक के जरिए सबक मिल रहा है कि हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते उनके हाथ से वक्त इस तरीके से निकल जाता है जैसे कि मुट्ठी से रेत। बच्चों को ये पता ही नहीं चलता कि कब बचपन गया, जवानी में कदम रख दिया, जवानी उन्होंने ऐशो इशरत या इधर उधर की बातों में गुजार दी, और उसके बाद जब अधेड़ उम्र यानी जवान बुढ़ापे में कदम रखते हैं तो वो सिर्फ ये सोचकर कि मुझे अब आगे की जिंदगी जो है अल्लाह की राह में सर्व करनी है, और उस वक्त वो अपनी आँख खोलते हैं जबकि तब तक बहुत वक्त गुजर चुका होता है। तो मैं तमाम नाजरीन से यही कहना चाहूंगी कि वक्त की कदर करोगे तो संभल जाओगे, वक्त की कदर करोगे तो संभल जाओगे, वक्त जमाने में हर शय से बड़ा होता है। जी तबस्सुम मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस चैप्टर के लिए। आज का जो मौजू था गुजरा हुआ ज़माना, उस पर आपने हमारे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स को समझाया और इस चैप्टर के बारे में जो रोशनी दी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने बताया सर सैयद अहमद खां के बारे में और आपने खूब फरमाया वक्त के बारे में कि वक्त बेहद ही कीमती है, नायाब है ये, और हमें समझना चाहिए क्योंकि जो वक्त की कदर करता है वक्त उसकी भी कदर करता है। तो तबस्सुम मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मैम। शुक्रिया।
डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, हमारा ये सत्र यहीं संपन्न होता है, हम यहीं विराम देना चाहेंगे, लेकिन आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहेंगे, वो है कला उत्सव के बारे में। कला उत्सव शुरू हो चुका है 3 जनवरी 2023 को और ये चलेगा 7 जनवरी तक। और हम बता दें, कला उत्सव एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑर्गेनाइज्ड बाय NCERT एट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर उड़ीसा। तो हम बता देते हैं, हम आपको कुछ झलकियाँ दिखाते हैं कला उत्सव के बारे में, तो आइए देखते हैं। India is our land of diverse culture and glory. Let's showcase the art with the glimpses of its story. We hear the sound of music, we dance to and give bells. Paint a picture, make some toys rejoice. Let's do solo acting, let's dance, let's sing and paint. Make some toys rejoice, Kala Utsav. Children from every nook and corner will perform. Oh, great! We will have glimpses from each and every state. We hear the sound of music, we dance to and get bells. Paint a picture, make some toys rejoice. We hear the sound of music, we dance to and get bells. Paint a picture, make some toys rejoice. The loud song, the loud song, the loud song, the loud song. Kala Utsav, an initiative of the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, Government of India, announces Kala Utsav, organized by NCERT from 3rd to 7th January 2023 at Regional Institute of Education, Bhubaneswar. Kala Utsav. तो डियर लर्नर्स एंड स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कला उत्सव की कुछ झलकियाँ, जो विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा उनकी कला का प्रदर्शन था, जो विभिन्न राज्यों से आए हुए थे, बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति कला उत्सव के माध्यम से। तो अब हमारा भी आपसे आज्ञा लेने का वक्त आ गया है, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए ई विद्या चैनल पर, क्योंकि अभी बहुत सारे ज्ञानवर्धक और रोचक सत्र और भी हैं। नमस्कार।